दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर किया कटाक्ष। उन्होंने बोला कि बीजेपी की नकारात्मक कार्य प्रणाली अब जनता को स्पष्ट पता चल चुकी है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए। न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उंगले जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पर चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पर कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका, दो दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे। और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो टीएमसी से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए अभी जो सीएम है असम के, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के एमपी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी साथ बैठा हुआ भाषण में बोल रहे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है, ये दोहरा चले। तो आने वाले समय में देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं का किस बात का। अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, बचपन से भी देख रहे हैं, और तंग करते हैं ना। अरे तंग करेगा तो जितना आदमी उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।